नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉप फाइव स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे में। जी हाँ, पांच बड़ी खबरों के साथ मैं अभिलाष आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। बता दें आपको कि कल भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक बेहतरीन मुकाबला खेला गया, जहां पर शाई होप ने टीम इंडिया की पूरी होप को तहस नहस करके रख दिया। जी हाँ, बता दें आपको कि 321 का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम, माफ कीजिएगा 322 का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 321 ही बना पाई, लेकिन मैच वो टाइस कराने में सफल रहे। आखिरी ओवर में महज 14 रनों की उन्हें दरकार थी और ऐसा लगा कि भारतीय टीम मैच बचा लेगी, लेकिन पूरी तरह से शाई होप को क्रेडिट जाता है जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की। साथ ही विराट कोहली सबसे तेज 10,000 ही बने हैं भाई, 205 इनिंग में इन्होंने 10,000 का जादुई आंकड़ा छुआ है। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड पर अब पूरी नजरें हैं, 37 शतक जड़ दिए हैं विराट ने और अपनी बल्लेबाजी से दिखा दिया है कि उनमें क्या दम है। मुझे अभी भी याद है सचिन का वो इंटरव्यू जब उन्होंने कहा था कि मेरे वनडे शतक या टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ सकता है तो वो रोहित शर्मा या विराट कोहली। हालांकि रोहित शर्मा इस लिस्ट में थोड़ा दूर है, लेकिन विराट कोहली बिल्कुल करीब है। 12 शतक और चाहिए सचिन के वनडे रिकॉर्ड की बराबरी के लिए और अभी भी कम से कम 4 से 5 साल का करियर है विराट कोहली का, जिस तरह की फिटनेस है, जिस तरह के उन्होंने प्रदर्शन किया है। लेकिन उन्होंने पहले वनडे के बाद ही कहा था कि भाई कुछ ही साल बचे हैं मेरे करियर के लिए और हर कोई जानता है कि 30 के बाद करियर उतार चढ़ाव आते हैं, इंजरीज होती हैं और खिलाड़ियों को पता होता है, तो अभी शायद अपने करियर के पीक पे हैं। साथ ही विराट ने औसत के मामले में भी हर किसी को मात दे दी है। एक साल के तीनों फॉर्मेट के कैलेंडर ईयर में विराट कोहली सिर्फ और सिर्फ अब माइक हसी से पीछे हैं। 135 की एवरेज रही है उनकी साल 2018 में और इस खिलाड़ी ने दिखाया है कि इसे क्यों हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अनमोल नगीना कहा जाता है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको अपने खास सेगमेंट की ओर। देखिए क्या है आज की टॉप फाइव स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ विशाखापट्टनम वनडे में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के एक बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस रिकॉर्ड के टूटते ही पूरे देश में जश्न का माहौल है। विराट की इस अचीवमेंट पर उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने खास अंदाज में चीयर भी किया। अनुष्का ने इंस्टा स्टोरी में क्रिकेट मैच की तस्वीरों के शॉट्स शेयर करते हुए लिखा, व्हाट अ मैन। अनुष्का ने इसी के साथ एक प्यार भरा इमोजी भी बनाया है। अनुष्का के चीयर करने का अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वैसे अनुष्का कई बार विराट को चीयर करने के लिए बिजी शेड्यूल से समय निकालकर स्टेडियम पहुंच जाती हैं। फैंस के बीच विरुष्का के नाम से मशहूर ये जोड़ी सोशल मीडिया पर छाई रहती है। बता दें कि विराट कोहली ने दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ 81 रन बनाते ही मास्टर ब्लास्ट सचिन तेंदुलकर के वनडे क्रिकेट के सबसे तेज 10,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर की बात की जाए तो उन्होंने 266वां वनडे खेलते हुए 259 पारियों में सबसे तेज 10,000 वनडे रन का रिकॉर्ड बनाया था और विराट ने 213 वनडे खेलते हुए 205वीं पारी में ये रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच बीती शाम एक बेहद रोमांचक दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया। बता दें आपको कि पेटीएम सीरीज का दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच विशाखापट्टनम में खेला गया, जहां पर यह मुकाबला वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शाई होप की शानदार बल्लेबाजी के दम पर ड्रॉ रहा। बता दें आपको कि कप्तान विराट कोहली के बेहतरीन 37वें शतक की बदौलत टीम इंडिया ने 321 रन का स्कोर वेस्टइंडीज के लिए खड़ा किया, जिसके बाद वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 321 ही रन बना पाई और 322 रन बनाने से चूक गई और ये मुकाबला टाई हो गया। लेकिन इस मैच में एक ऐसा वाकया देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान तो किया ही, लेकिन साथ ही खुशी से भी भर दिया। जी हां, आपको बता दें कि विराट कोहली ने पहले तो सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज होने का गौरव हासिल किया और उसके बाद 37वां शतक जड़कर दुनिया को ये दिखा दिया कि सचिन तेंदुलकर के बाद अगला सचिन तेंदुलकर भारत को काफ़ी समय पहले मिल गया था। आपको बता दें कि विराट दूसरे नंबर पर है वनडे में सबसे ज़्यादा शतक जड़ने के मामले में। ऐसे में शतक जड़ने के बाद विराट कोहली ने बल्ले की ओर इशारा किया और ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए ग्लव्स को वो चलाने लगे, मानो वो ये कह रहे हों कि मैं नहीं, मेरा बल्ला बोल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं विराट कोहली की नज़र अब सचिन के रिकॉर्ड पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या विराट कोहली ये रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं। विराट कोहली क्या क्रिकेट के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं? टीम इंडिया के कप्तान के बल्ले से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के बाद इस बारे में बहस अब ज्यादा तेज हो गई है। विराट इन दिनों जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो जल्द ही क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में बुधवार को विराट ने ऐसी शतकीय पारी खेली कि रिकॉर्ड धड़ाधड़ उनके
नाम पर दर्ज होने लगे। अपनी इस पारी के दौरान विराट ने एक साथ कई छोटे बड़े रिकॉर्ड बना डाले। उन्होंने वनडे में अपने 10,000 रन पूरे किए, होम ग्राउंड पर 4,000 रन पूरे करने की उपलब्धि हासिल की और कैलेंडर ईयर में 11वीं पारी में ही 1,000 रन का आंकड़ा छू लिया। रन मशीन विराट कोहली की उपलब्धि को सम्मान देते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने ट्वीट किया, भारत के कप्तान की ओर से एक और बेहतरीन पारी। विराट कोहली ने नाबाद 157 रनों की असाधारण पारी खेलते हुए खास अंदाज में वनडे में 10,000 रन के आंकड़े को पार किया। अपने ट्वीट के नीचे आईसीसी ने लिखा, द गोट यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। विराट की इस पारी को लेकर दुनिया भर में के पूर्व और वर्तमान क्रिकेटरों ने उनकी जी भरकर सराहना की। विराट के लगातार शानदार प्रदर्शन के कारण उनकी तुलना टीम इंडिया के महान बल्लेबाज रहे सचिन तेंदुलकर से की जाने लगी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने वनडे क्रिकेट में विराट को प्रदर्शन को सचिन के बराबर माना। दादा ने हाल ही में बात करते हुए कहा कि विराट कोहली के प्रदर्शन का विश्लेषण करते हुए मुझे शब्द नहीं सूझ रहे। दूसरे वनडे के दौरान विकेट अलग था, परिस्थितियां भी अलग थी, लेकिन उसने पूरा गेम बदल कर रख दिया। ये एक आला दर्जे की पारी थी, इसके बारे में कहने के लिए मुझे शब्द कम पड़ रहे हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुरुवार को एक बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। आपको बता दें कि ये मुकाबला सेकंड पेटीएम वनडे इंटरनेशनल विशाखापट्टनम में खेला गया था, जहां पर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट के शानदार 157 रनों की बदौलत स्कोरबोर्ड पर एक 321 रन लगा दिए, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज को 322 का लक्ष्य मिला। और 322 का लक्ष्य वेस्टइंडीज हासिल तो नहीं कर सका, लेकिन मुकाबला टाई कराने में कामयाब रहा। शाय होप और शिरमॉन हेडमायर की शानदार पारियों की बदौलत शानदार तरीके से वेस्टइंडीज की टीम दबाव से निकलती हुई मुकाबला टाई कराने में कामयाब रही, लेकिन कहीं ना कहीं इस हार का ठीकरा भारतीय टीम के मध्यक्रम पर फूटा। हालांकि नंबर चार की समस्या अंबती रायडू ने काफी हद तक कम कर दी, क्योंकि उन्होंने विराट के साथ एक अच्छी साझेदारी की। एक समय भारत का स्कोर 40-2 हो गया था, लेकिन रायडू विराट के साथ आए और 100 रन से ऊपर की साझेदारी की। लेकिन इसके बाद 40वें ओवर के आसपास बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी ने 25 गेंदें ली और महज 20 रन बनाकर अपना विकेट एक बार फिर थ्रो करके चले गए। पिछले 15 मैचों में महेंद्र सिंह धोनी की फॉर्म और भी ज्यादा खराब रही है। उन्होंने पिछले 15 मैचों में सिर्फ 150 किया है, जो टीम इंडिया के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। ऐसे में खबरों की माने तो धोनी को लेकर दादा ने बड़ा बयान दिया है। दादा ने कहा है कि धोनी को अब फॉर्म में वापस आने की ज़रूरत है और उन्हें लंबी लंबी हिट्स मारने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो सिंपल रह के खेलेंगे तो वो कोई भी खिलाड़ी कर सकता है। अगर सिर्फ 2 रन 3 रन ही बनाने हैं तो मनीष पांडे भी बुरे नहीं हैं। ऐसे अगर इस तरह से खेलना है तो शायद आप विश्व कप के लिए बेहतर खिलाड़ी नहीं हैं। ऋषभ पंत को फिर आगे करना पड़ेगा विराट को। अब दादा का ये बयान क्या धोनी को रास आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया विशाखापट्टनम में दूसरा पेटीएम वनडे इंटरनेशनल काफी ज्यादा रोमांचक रहा और यह मुकाबला टाई हो गया। बता दें आपको कि कप्तान विराट कोहली के बेहतरीन 157 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने 321 रन बोर्ड पर लगाए, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम शुरुआत में तो लड़खड़ाई, लेकिन शाय होप और शिरमॉन हेटमायर की शानदार पारियों की बदौलत मुकाबला टाई कराने में कामयाब रही। बता दें आपको कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत की मिडिल ऑर्डर की कमजोरी साफ तौर पर नजर आई, क्योंकि अगर भारतीय मिडिल ऑर्डर चलता तो 321 का स्कोर 350 भी हो सकता था। आपको बता दें कि 40वें ओवर में जब टीम इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने 25 गेंदें ली और महज 20 रन बनाए, जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्रेशर विराट कोहली पर पड़ा और तेजी से रन्स नहीं बन पाए। ऐसे में धोनी की खराब फॉर्म के बाद खबरों की माने तो विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब महेंद्र सिंह धोनी के फॉर्म हमारे लिए चिंता का सबब बन गई है और जल्द से जल्द धोनी को फॉर्म में वापसी करनी होगी। यानी कि कहीं ना कहीं विराट ने धोनी को अल्टीमेटम दे दिया है कि माही भाई, आप प्लीज फॉर्म में आ जाइए, वरना हमें ऋषभ पंत को मजबूरन मौका देना पड़ेगा। इन दिनों न जाने उमेश यादव को क्या हो गया है। वनडे सीरीज से पहले इसी वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ उमेश यादव आग उगल रहे थे, लेकिन शुरुआती 2 वनडे में ही उनकी गाड़ी पटरी से उतर गई और बाद क्रिकेट पंडितों को बहुत ज्यादा चौंका रही है कि आखिर उमेश यादव को एकदम वनडे में क्या हो गया। बहरहाल उमेश यादव वनडे में एक अनचाहे मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं और करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमी यही कह रहे हैं कि उमेश को इस अनचाहे रिकॉर्ड में नंबर 1 बनने से भगवान ही बचाए। उमेश यादव ने गुवाहाटी में पहले डे नाइट वनडे मुकाबले में 10 ओवर में 64 रन दिए थे और उनके हिस्से में एक भी विकेट नहीं आया था। वहीं विशाखापट्टनम में उमेश ने सिर्फ 10 ओवरों में 78 रन दे डाले और सिर्फ उछले बल्लेबाज नर्स का ही एक ही विकेट ले सके। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि अच्छा खासा अनुभव होने के बावजूद उमेश यादव की पारी के आखिरी ओवर में 14 रन
नहीं बचा सके। इसी मैच के साथ ही उमेश ने एक अनचाहे रिकॉर्ड के मामले में इंग्लैंड के आदिल रशीद को पछाड़कर दूसरे नंबर पर आ गए। इससे उनके चाहने वाले खासे परेशान हैं और करोड़ों भारतीय यही दुआ कर रहे हैं कि उमेश को इस अनचाहे रिकॉर्ड से भगवान बचाए। और यह भी सही है कि उमेश को इससे बचने के लिए खासा काम करना होगा। बता दें कि जब किसी मैच में कोर्ट के 10 ओवरों में 70 या इससे अधिक रन देने की बात आती है तो इस मामले में उमेश अब दूसरे नंबर पर है। तो देखा आपने, पांच बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। आप देखना दिलचस्प होगा कि ये भारतीय टीम अगले वनडे में क्या प्रदर्शन कर पाती है। हालांकि आज शाम तक या कल सुबह तक टीम अनाउंस हो जाएगी बाकी 3 वनडे मैचों के लिए। अब किसकी एंट्री होती है और किसकी एग्जिट, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आप सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स परिवार की ओर से। 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हुए हैं, बस इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। और जो खबर आप देखना चाहते हैं दिल खोलकर हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, वो खबर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, ये वादा है हमारा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।